हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर 2021-22 का, कक्षा 12वीं का है, विषय जीव विज्ञान का, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आपके बगल में ना कि मेरे जहाँ भारत माता की फ़ोटो लगी है उसके बगल में आपको इस तरह का डिब्बा दिख रहा होगा, उसमें SUBSCRIB लिखा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे वो का क्लिक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर भेजिएगा। और आप इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और कमेंट बॉक्स में अगर आंसर के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसमें आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। ये है हम लोगों का पेपर, ये पहला है आप लोगों का, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, ये छठा है, ये सता है अपना पंचन के। अगर अपना पंचे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़ना है तो वहाँ भी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ आप लोगों को मैं ना कि सारी PDFs वगैरह वहीं पे सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप्स पे, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है GMO का पूरा नाम, जिस मुग्जों में XX गुणसूत्र होते हैं एक शिशु कहलाते हैं डेडस, क्या होगा इसका उत्तर। उत्तर के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और कमेंट में आंसर लिखें ताकि मैं आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है ना। अगला है आकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप में एक समान जीव कहलाते हैं, गिफ्ट का पूरा नाम क्या है, इस ये भी आपको बताना है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त साइनोबैक्टीरिया है, क्या है। मलेरिया रोग परजीवी के द्वारा होता है, एड्स विषाणु के द्वारा होता है, बताना किस विषाणु के द्वारा, किस परजीवी, तो ये तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया होता है। अगला है तीसरा सही जोड़ी बनाइए, पहला है संकर पीढ़ी, दूसरा है द्वितीय संकर पीढ़ी, समयुग्म न जी द्वितीय विषम युग्म न जी, प्रारंभिक कुडान, जैविक कैंची, DNA खंडों का गुजुड़ना। अगला है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, बताना है आप लोगों को। बिना निषेचन के बीज बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, कवक और पादपों के मत्स्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, बताना है आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते चलिए भाई टेलीग्राम ग्रुप में, जल्दी जल्दी ज्वाइन के लिए और सब्सक्राइब कर ले भैया हर सब के हूँ। अगला है निषेचन को परिभाषित कीजिए, पुनरुद्भवन से क्या आशय है, ठीक है। बहुभुड़ता को परिभाषित कीजिए। अगला है एस्मिन टूया के कोई दो उपयोग लिखिए, मृत्यु दर से क्या तात्पर्य, एक संकर काश किसे कहते हैं, द्विशंकर काश किसे कहते हैं। यूक्रोमेटिन को परिभाषित कीजिए, हेटरोक्रोमेटिन को परिभाषित कीजिए। व्यसन की कोई दो कुप्रभाव लिखिए, BOD का संक्षिप्त अर्थ लिखिए, प्रतिजैविकों के दो गुण लिखिए, बायो रिएक्टर के दो कार्य लिखिए, पुनर्नियोजन प्रोटीन के दो कार्य लिखिए, शुक्राणुजन व अंडाणु चक्र में कोई दो अंतर लिखिए, अपरा क्या है इसके दो कार्य लिखिए, DNA व RNA कोई तीन अंतर लिखिए, अनुवांशिकी कूट की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। आपका जो है ना रियल पेपर है दोस्तों, रियल है, बिल्कुल 100% मैं गारंटी देता हूँ रियल है, ठीक है ना। अगला है ड्रग व एल्कोहल कोई तीन प्रभाव बताइए। अगला है अपूर्ण प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए, सहप्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित लिखिए, किन्हीं चार घरेलू उत्पादों सूक्ष्म जीवों की भूमिका स्पष्ट कीजिए, जैव प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त अर्थ लिखते हुए कृषि का अनुप्रयोग कीजिए, PCR का पूरा नाम लिखते हुए इस प्रक्रिया में विभिन्न चरणों के बारे में लिखिए, इसका महत्व लिखिए, क्लैसिंग सम्मान का संक्षिप्त अर्थ लिखते हुए इसके तीन अनुप्रयोग लिखना है। ये देखो यहाँ से हमारा पेपर क्लोज। अब मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ एडवाइस दे दूँ अपने लिए, हाँ तो दोस्तों
आपको पता होगा हमारे भारत माता चैनल में रीड टू चेंज में भारत माता के बगल में इस तरह का एक लाल लाल वो दिख रहा होगा, इसमें लिखा होगा एस यू बी एस सी आर आई बी। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब बगल में एक घंटी आएगी, वहाँ पे आपको ऑल नोटिफिकेशन पर डाल लेना है, ठीक है। और हाँ, अगर अपना पंछी अभी तक का हमार टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है तो वहाँ भारत माता वाले फ़ोटो में रीड टू चेंज लिख के भारत माता के फ़ोटो आई ओहिन में जब अपना पंछी ज्वाइन के इट्ठे हुआ आई ओहिन में क्लिक करके जुड़ जाए, ठीक है ना। मिली थी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।